नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास मौत का खेल पार्ट 5। जरूर कोई गड़बड़ थी, कहीं शांता ने जानबूझकर तो वह मौका नहीं पैदा किया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, मुझे लगने लगा कि सर गोकुलदास का शांता के साथ अकेला कोठी में मौजूद होना जरूर कोई गड़बड़ पैदा करने वाला था। रह रहकर मेरे नेत्रों के सामने कभी शांता का और कभी बॉस्को का चेहरा घूमने लगा। कोलाबा में जहाँ एलिस को जाना था वह स्थान गोकुलदास स्टेट से कम 20 मील दूर था। भीड़ भरी सड़कों पर मोटर चलाते समय आने जाने में कम से कम 1 घंटा लग जाने की पूरी संभावना थी। 1 घंटे में शांता और बॉस्को या शांता अकेली पता नहीं क्या कर गुजरे। मैंने मन ही मन फैसला किया। मैंने 2-3 बार ब्रेक और एक्सीलेटर के पैडलों पर पांव बदले और फिर कार रोक दी। क्या हुआ, एलिस बोली, इंजन में कुछ गड़बड़ हो गई मालूम होती है। मैं कार से बाहर निकलता हुआ बोला, अभी देखता हूँ। मैंने कार का बोनट खोला और इंजन पर झुक गया। एलिस व्यग्रता से मेरी एक एक गतिविधि नोट कर रही थी। लगभग 5 मिनट यूं ही इंजन में हाथ मारते रहने के बाद मैंने कमर सीधी की। गाड़ी ठीक होने में पता नहीं कितनी देर लगे। इंजन की खराबी मेरी समझ में नहीं आ रही है। अच्छा यही होगा कि आप टैक्सी कर लें। ऑल राइट, वह बोली। मैंने एक जाती हुई टैक्सी को रोका और उसमें एलिस को बिठा दिया। टैक्सी की दृष्टि से ओझल होते ही मैंने बोनट गिराया और फुर्ती से वापस कार की ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। अगले ही क्षण मैं वापस गोकुलदास स्ट्रीट की ओर उड़ा जा रहा था। 5 मिनट में मैं वापस स्ट्रीट के समीप पहुंच गया। मैंने ऑस्टिन स्ट्रीट से थोड़ी दूर ही फुटपाथ पर चढ़ाकर पार्क कर दी। मैं साइड से एक लंबा चक्कर लगाकर स्ट्रीट के पिछवाड़े में पहुंचा, जिधर की समुद्र ठंडे मार रहा था। सर गोकुलदास के बेडरूम की सारी खिड़कियाँ समुद्र की ओर खुलती थी। मैं दबे पांव बेडरूम की एक खुली खिड़की के नीचे पहुंच गया। माय डियर डार्लिंग हस्बैंड, भीतर से शांता का विषैला स्वर मेरे कानों में पड़ा। कहानियां सुनने का तुम्हें शौक है, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। लेकिन उस कहानी को सुनाने के लिए मुझे कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वह कहानी मैं तुम्हें चुपानी सुनाऊंगी और शायद तुम्हें जानकर खुशी होगी कि उस कहानी के मुख्य पात्र तुम खुद हो। मैं जड़ सा खिड़की के नीचे खड़ा रहा। मैं बड़ी सावधानी से शांता के मुंह से निकला एक एक शब्द सुन रहा था। स्वीटहार्ट, शांता बोली, कहानी का तुम्हें पूरा आनंद आए इसलिए कहानी मैं शुरू से शुरू करती हूँ। बूढ़े बाबा, मुझसे शादी करके जितनी मायूसी तुम्हें मुझसे हुई थी, तुमसे शादी करके उससे 4 गुनी मायूसी मुझे तुमसे हुई थी। तुमने शायद सोचा था कि तुम्हें शांता के रूप में एक ऐसी पतिव्रता पत्नी मिलेगी जो हर रोज तुम्हारे पांव धो धोकर पिया करेगी। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तुम्हें ऐसी पत्नी नहीं मिली। और मैंने सोचा था कि मैं अपने अधेड़ पति के उन लाखों रुपयों से ऐश करूंगी, जिनका उसको कोई इस्तेमाल नहीं था। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मुझे ऐसा पति नहीं मिला। तुम बेहद शक्की और सनक की भावनाओं से भरे हुए खूसट बूढ़े निकले। मैं किसी नौजवान की ओर देख भर लेती थी तो तुम्हारा कलेजा फटने लगता था। तुम मुझे सोसाइटी में घूमने नहीं देते थे क्योंकि तुम्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कोई नौजवान तुम्हारी जवान बीवी ना मार ले जाए। तुम मुझे केवल ऐसी पार्टियों में ही ले जाते थे जहां तुम्हारे जैसे ही खूसट बूढ़े अपनी बूढ़ी खा खा कर मुटियाई हुई बीवियों को या जवान रखेलों को लेकर आया करते थे। तुम्हारा बस चलता तो तुम मुझे भी अपनी लाखों की संपत्ति के साथ किसी बैंक के लॉकर में बंद करके रखाते और मुझे वहां से तभी निकाला करते जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ती। और उस दौलत की तो तुमने मुझे हवा भी नहीं लगने दी जिसके लालच में पढ़कर मैंने तुमसे शादी की थी, जबकि मैं यह सपना देख रही थी कि तुमसे शादी कर लेने के बाद तुम्हारी सारी दौलत नहीं तो कम से कम उसका एक बहुत बड़ा भाग मेरी मुट्ठी में होगा। कहाँ मैं तुम्हारी दौलत चूसने की स्कीमें बना रही थी और कहाँ तुम मेरा खून चूसने लगे। तुमने मुझे पूरी तरह गिरफ्तार करके रख लिया और एक जोंक की तरह मेरी जवानी से चिपक गई। लेकिन मैं शायद उस जिंदगी से भी समझौता कर लेती अगर मुझे यह ना मालूम हो जाता कि तुम अपनी वसीयत भी बदलने जा रहे थे। शांता की आवाज़ आनी बंद हो गई, उसके स्थान पर उसकी तेज सांसों की आवाज़ आने लगी। मेरे कान खिड़की से आने वाली हल्की से हल्की आवाज़ को भी ग्रहण करने के लिए तैयार थे। शादी के आरंभ के दिनों में तुमने एक वसीयत तैयार करवाई थी
जिसके अनुसार तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी लगभग सारी जायदाद मुझे और तुम्हारी बेटी माधुरी में बंटने वाली थी। लेकिन शादी के एक साल बाद ही तुम इस कदर मेरे खिलाफ हो गए थे कि तुमने अपनी वसीयत बदलने का फैसला कर लिया। मैं जी रही थी इस उम्मीद में कि तुम कभी तो मरोगे और फिर तुम्हारी लाखों की संपत्ति मेरे हाथ लगाएगी, लेकिन तुमने मेरी वह उम्मीद भी तोड़ने का फैसला कर लिया। मुझे अपने भविष्य को अंधकार के गर्त में डूबने से बचाने के लिए कुछ करना था और मैंने फौरन कुछ किया। कहानी ठीक चल रही है ना पतिदेव? मज़ा आ रहा है ना? अगर बोल नहीं सकते हो तो गर्दन ही हिला दो। कुछ क्षण शांति रही, उसके बाद शांता की आवाज़ फिर सुनाई दी। अब इस कहानी का सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला अध्याय शुरू होता है। इससे पहले कि तुम वसीयत बदल पाते, मैंने तुम्हारी हत्या करने का फैसला कर लिया। चौंक गए ना? तुम्हारी सूरत से जाहिर हो रहा है कि यह बात तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी कि जिस मोटर दुर्घटना की वजह से तुम आज की हालत में पहुंचे हो, वह मेरी वजह से हुई थी। मैंने ब्रेक ऑयल के टैंक में छेद कर दिया था, जिसकी वजह से तुम्हारी कार की ब्रेकों ने काम करना बंद कर दिया था। तुम तेज कार चलाने के आदी थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि ब्रेक न लगने से तुम्हारी कार का एक्सीडेंट होगा तो तुम्हारा ज़रूर काम तमाम हो जाएगा। लेकिन मेरी तकदीर, उस भयंकर एक्सीडेंट में भी तुम्हारे प्राण नहीं निकले। तुम केवल लकवे के शिकार होकर रह गए और साथ ही अपनी वाणी भी खो बैठे। बाद में जैसा कि मैंने सोचा था, पुलिस ने यही नतीजा निकाला कि ब्रेक ऑयल के टैंक में छेद भी दुर्घटना के दौरान ही हुआ था। सर गोकुलदास, तुम मरे तो नहीं लेकिन इस काबिल भी नहीं रहे कि अपनी वसीयत बदल सको और मुझे अपनी लाखों की जायदाद से बेदखल कर सको। और उस दिन के बाद मैंने तुम्हारी मौत की प्रतीक्षा आरंभ कर दी। उस वक्त तो ऐसा लगता था कि तुम आज नहीं तो कल मर जाओगे। लेकिन मेरी बदकिस्मती, 4 साल गुजर गए लेकिन तुम्हें मौत नहीं आई। तुम मौत से भी बुरी हालत में मेरे भविष्य पर कालक पोतने के लिए इस दुनिया में अड़े रहे लेकिन मरे नहीं। मैं 4 साल तक तुम्हारी मौत का इंतज़ार करते करते हार गई, लेकिन तुम मौत से नहीं हारे। अब मुझे लग रहा है कि अगर तुम्हें ज़बरदस्ती इस दुनिया से धक्का नहीं दिया गया तो तुम 100 साल तक यहाँ से नहीं हिलोगे। लेकिन इस बार तुम ऐसी मौत मरोगे कि तुम यह कामना करने लगोगे कि तुम पहली बार ही क्यों ना मर गए। सर गोकुलदास, यही मेरा प्रतिशोध है, यही तुम्हारी सजा है। फिर सन्नाटा छा गया। शांता शायद बहुत उत्तेजित हो चुकी थी। उसकी सांसों की आवाज़ मुझे बाहर साफ सुनाई दे रही थी। कल तुम्हारी लाडली बेटी माधुरी यहाँ आएगी, शांता इस बार शांत स्वर में बोली। अगले शनिवार को दशहरा है। अगले शनिवार को मार्था सहित घर के सारे नौकर चाकरों की छुट्टी होगी। नर्स एलिस पहले ही तुम्हें और डॉक्टर कश्यप को बता चुकी है कि वह शनिवार को 2 दिन के लिए छुट्टी पर जाएगी और डॉक्टर कश्यप ने उसे इजाज़त भी दे दी है। अगले शनिवार को इस कोठी में मेरे, माधुरी और विमल के अलावा कोई नहीं होगा। फिर शनिवार की रात को माधुरी अपने कमरे में मरी पाई जाएगी। तफ्तीश द्वारा मालूम होगा कि किसी ने उसका गला घोंट दिया है। माधुरी की हत्या तुम्हारा पुराना सेवक बॉस्को करेगा। मैं उसकी सहायता करूंगी, लेकिन हत्या का इल्ज़ाम विमल पर लगेगा। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। पुलिस को मैं बुलाऊंगी। मैं कहूंगी कि मैंने माधुरी के कमरे में खटपट की आवाज़ सुनी थी, फिर मैंने उसके कमरे की खिड़की में से कूदकर विमल को भागते देखा था। मैं माधुरी के कमरे में गई थी तो मैंने उसे मरा पड़ा पाया। विमल ने माधुरी का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और फिर वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसके दुर्भाग्यवश मैंने उसे भागते देख लिया। उसका पुराना पुलिस रिकॉर्ड और मेरा बयान उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा देने के लिए काफ़ी होगा। पुलिस को पहले से ही विमल की तलाश है। उसको अपने अधिकार में करके उन्हें बहुत खुशी होगी। स्वीट हार्ट, कहानी कैसी चल रही है? यह किसी ऐसी कहानी से कम दिलचस्प तो नहीं जो विमल तुम्हें पढ़कर सुनाया करता है? मैं सन सा खिड़की से बाहर खड़ा सब कुछ सुनता रहा। माई डियर डार्लिंग हस्बैंड, शांता का ब्लेड की धार जैसा पैना स्वर फिर सुनाई दिया। यह मत समझना कि जो कुछ मैं कह रही हूँ सिर्फ तुम्हें डराने के लिए कह रही हूँ। जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वह सब कुछ होने वाला है। अगले शनिवार की रात को तुम्हारी लाडली बेटी माधुरी का वही भयंकर अंत होने वाला है जो मैंने तुम्हें बताया है। अगर डॉक्टर कश्यप तुम्हारे दिल की हालत के बारे में ठीक कहता है तो मुझे पूरा विश्वास है
कि अपनी लड़की की विभत्स मौत का समाचार सुनकर तुम्हारे दिल की धड़कन जरूर रुक जाएगी। अगर तुम्हारे दिल की धड़कन अपने आप नहीं रुकी तो उसे मैं रोकूंगी। मैं तुम्हारे मुंह पर आधा मिनट तकिया दबाकर बैठ जाऊंगी और तुम्हारा कच्चे धागे से बंधी अपनी जिंदगी से नाता टूट जाएगा। हर कोई यही समझेगा कि सर गोकुलदास अपनी बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और अपनी बेटी के पीछे पीछे ही परलोक सिधार गए। और उसके बाद तुम्हारी 1 करोड़ रुपए की संपत्ति की अकेली मालकिन होगी लेडी शांता गोकुलदास, यानी कि मैं। कितनी अफसोस की बात होगी कि जिस औरत को तुम अपनी दौलत की हवा नहीं लगने देना चाहते वही तुम्हारी सारी जायदाद की इकलौती वारिस बनेगी। और अब स्वीट हार्ट, जो कुछ मैंने कहा है उसके बारे में अच्छी तरह सोचो। अगले शनिवार को तुम्हारी बेटी का क्या अंजाम होने वाला है उसकी कल्पना करो और नर्क की आग में चलो। तुम अपने स्थान से खुद हिल नहीं सकते, तुम बोल नहीं सकते, इसलिए तुम मेरी स्कीम के बारे में किसी को बता नहीं सकते। तुम अपनी बेटी को चेतावनी तक नहीं दे सकते। तुम अगले शनिवार को मार्था सहित घर के सारे नौकर चाकरों को कोठी से बाहर जाते देखोगे। तुम नर्स एलिस को 2 दिन की छुट्टी जाते देखोगे। नौकरों में से सिर्फ विमल कोठी में मौजूद होगा और मैं इस बात का पूरा इंतजाम कर लूँगी कि उस रात को वह कोठी से कहीं ना जाए। तुम्हें मालूम होगा कि बॉस को तुम्हारी बेटी की हत्या करने आ रहा है, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकोगे। सर गोकुलदास, मैं बयान नहीं कर सकती कि अगले 9 दिन तुम्हारी सूरत देखकर मुझे कितनी खुशी होगी। तुम तड़पोगे, रोओगे, अपनी बेटी के बारे में सोच सोच कर तुम्हारा कलेजा छलनी हो जाएगा, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें जहन्नुम की आग में जलाने के लिए 9 दिन पहले ही मैंने तुम्हें अपनी स्कीम बता दी है। सर गोकुलदास, यही तुम्हारी सजा है, यही मेरा बदला है। शांता एड़ियां ठकठकाती हुई तेजी से कमरे से बाहर निकल गई और फिर कमरे में शांति छा गई। कुछ क्षण बाद मैंने सावधानी से सिर उठाकर खिड़की में से कमरे में झांका। पलंग पर सर गोकुलदास का स्पंदनहीन शरीर पड़ा था। नर्स एलिस के बगल के कमरे का दरवाजा खुला था, लेकिन शांता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं खिड़की के पास से हट गया। सारी स्ट्रीट का चक्कर लगाकर मैं फिर सामने सड़क पर पहुंच गया। मैं वहां पहुंचा जहां मैं कार खड़ी छोड़कर आया था। मैं कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और सोचने लगा। स्थिति बड़ी विकट थी, मेरे लिए नहीं, सर गोकुलदास और माधुरी के लिए। मुझे अपनी चिंता नहीं थी। अब जबकि मुझे शांता के नापाक इरादों की खबर हो गई थी, मैं बड़ी आसानी से सारे सिलसिले से हाथ झाड़कर अलग हो सकता था। अगले शनिवार तो क्या, मैं कल माधुरी के आने से भी पहले सारे सिलसिले से हाथ झाड़कर अलग हो सकता था। मैं फौरन गोकुलदास स्टेट से दूर, यहाँ तक कि मुंबई से भी दूर कूच कर सकता था। लेकिन क्या मेरे भाग जाने से माधुरी या सर गोकुलदास की मौत टल सकती थी? नहीं, वह बॉस्को की सहायता से ज़रूर कोई ऐसा इंतज़ाम कर लेगी कि मेरे बिना भी उसकी स्कीम में अड़चन आए। जैसे वह यह तय कर सकती थी कि जब बॉस्को माधुरी की हत्या करके भाग रहा हो तो वह उसको गोली मार दे, और बाद में यह मानवीय दावा करके कि उसने बॉस्को को माधुरी की हत्या करते भागते देखा था और उसको भागते हुए बॉस्को को रोकने का इससे बेहतर तरीका नहीं सूझा था कि वह उसे शूट कर दे, या फिर ऐसी ही कोई और स्कीम। शांता जैसी बदकार औरत जब अपनी मनमानी कर गुजरने पर तुल ही गई थी तो कोई छोटी मोटी अड़चन उसे उसके इरादों से नहीं रोक सकती थी। मुझे कुछ न कुछ करना होगा, मैं स्टीयरिंग व्हील पर घूसा जमाता हुआ दृढ़ स्वर में बुदबुदाया। लेकिन मैं क्या कर सकता था? जो कुछ मैंने सुना था उसे मैं पुलिस को, डॉक्टर कश्यप को या किसी और को नहीं बता सकता था। अगर मैं बताता तो मुझे यह भी बताना पड़ता कि मुझे पहले से ही शांता पर शक था और मैंने जानबूझकर कार खराब हो जाने का बहाना बनाकर नर्स एलिस को टैक्सी पर कोलाबा भेजा था ताकि मैं वापस आकर शांता को चेक कर सकूं। मुझे शांता पर संदेह क्यों था? इस संदर्भ में मुझे शुरू से सारी कहानी सुनानी पड़ती और फिर पुलिस को मालूम हो जाता कि मैं खुद जेल से फरार मुजरिम था। शांता को यह कहना कि मैं फिर कितने भी समय के लिए जेल जाने को तैयार था और बात थी, वास्तव में जेल जाना और बात थी। जेल के जीवन का ख्याल आते ही मेरे शरीर में कंपकंपी दौड़ जाती थी। वास्तव में मैं दोबारा जेल जाने के लिए कतई तैयार नहीं था, और फिर इस बात की क्या गारंटी थी कि मेरे कहने पर
एक जेल से फरार मुजरिम के कहने पर पुलिस ये मान ही लेगी कि शांता के इरादों के बारे में जो कुछ मैं उन्हें बता रहा था वह सच था। शांता मेरी निगाहों में गंदी औरत थी, लेकिन समाज की निगाहों में वह एक बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त महिला थी। वह एक करोड़पति की बीवी थी। उसके लिए मुझे झूठा साबित करना कोई बहुत कठिन काम नहीं था। शांता बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और उसे अपनी सुंदरता को तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल करना खूब आता था। सारे सिलसिले में मेरा ही नुकसान होने की संभावना थी। पुलिस के सामने मेरी हकीकत खुल जाती और मैं फिर जेल में पहुंच जाता। लेकिन मैं माधुरी को या सर गोकुलदास को शांता की बदमाशियों का शिकार भी नहीं होने देना चाहता था। फिर एक शैतानी ख्याल बिजली की तरह मेरे मस्तिष्क में कौंध आया। इससे पहले कि शांता सर गोकुलदास या माधुरी की हत्या का सामना कर सके, क्यों ना मैं शांता की हत्या कर दूं? शांता जैसी खतरनाक और हर्जाई औरत को जिंदा रहने का क्या हक था? शांता के मर जाने से माधुरी जैसी कमसिन लड़की का जीवन बच सकता था। शांता के मर जाने से सर गोकुलदास का जीवन बच सकता था। शांता के मर जाने से मैं दोबारा जेल जाने से बचा रह सकता था, क्योंकि जब से मैं जेल से भागा था तब से शांता ही पहली इंसान थी जिसने मुझे सुरेंद्र सिंह सोहल के रूप में पहचाना था। अब मुझे कोई ऐसी तरकीब सोचनी थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं शांता की हत्या कर दूं, लेकिन किसी को मुझ पर संदेह तक न हो। मैंने सिगरेट फेंक दिया और इंजन स्टार्ट कर दिया। ऐसी कोई तरकीब सोचने के लिए अभी बहुत वक्त बाकी था। अगले दिन 10 बजे नर्स एलिस लौट आई। 10:05 पर वह सर गोकुलदास के पास पहुंची और 10:07 पर उसने डॉक्टर कश्यप को फ़ोन किया। डॉक्टर कश्यप सब काम काज छोड़कर फायर ब्रिगेड के इंजन की रफ्तार से गोकुलदास स्टेट पहुंचा। वह सर गोकुलदास के बेडरूम में पहुंचा। आते ही उसने नर्स एलिस को और शांता के कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। कोई विशेष बात हो गई है, इसकी जानकारी मिनटों में स्टेट के सारे कर्मचारियों को हो गई। मैं और मार्था भी सर गोकुलदास के बेडरूम के बाहर के गलियारे में आ खड़े हुए। शांता और नर्स एलिस पहले से ही गलियारे में मौजूद थी और किसी नौकर चाकर ने बेडरूम के पास फटकने की जरूरत नहीं की थी। लगभग 15 मिनट बाद डॉक्टर कश्यप ने द्वार खोलकर गलियारे में कदम रखा। वह बेहद गंभीर था। उसने बारी बारी से हम सबको घूर कर देखा और फिर कठोरता और अधिकार मिश्रित स्वर में पूछा, क्या हुआ था? कोई कुछ नहीं बोला। सवाल उसने किसी व्यक्ति विशेष से नहीं किया था। हम सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोला। बात क्या है डॉक्टर? थोड़ी देर बाद शांता बोली, सर गोकुलदास एकाएक बुरी तरह कोलेप्स हो गए हैं, डॉक्टर बोला। कल सुबह मैं उन्हें बड़ी अच्छी हालत में छोड़कर गया था और आज वह यूं भयभीत और उत्तेजित दिखाई दे रहे हैं जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। मैं कहता हूँ कल और आज में जरूर कोई ऐसी अप्रिय घटना घटित हुई है जिसकी वजह से साहब इतना आतंकित हो उठे हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे उन्हें कोई भारी सदमा पहुंचा है। वे? लेकिन डॉक्टर, शांता हड़बड़ाए स्वर में बोली, यह कैसे हो सकता है? कल नर्स की जगह मैं साहब के पास रही थी। मुझे तो उनके मूड में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया था और नर्स एलिस के लौटने तक मेरे अतिरिक्त कोई उनके पास नहीं आया था। आपको उनमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया था? मुझे वे कुछ उत्तेजित तो जरूर लगे थे, लेकिन उनका उत्तेजित होना मुझे बड़ा स्वाभाविक लगा था। आज 6 महीने बाद माधुरी वापस आने वाली है और आप जानते ही हैं कि वे माधुरी से कितना प्यार करते हैं। माधुरी से मुलाकात होने की कल्पना ने ही उन्हें थोड़ा उद्वेलित कर दिया होगा। थोड़ा उद्वेलित? मैडम, वे इस बुरी तरह आतंकित हैं कि आतंक से उनके नेत्र फटे जा रहे हैं। हर क्षण ऐसा लगता है जैसे वे कुछ कह पाने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं। उनकी नब्ज तेज हो गई है और वे इतनी बेचैनी का अनुभव कर रहे हैं जैसे उनके दिल में तूफान उठ रहा हो। इसे आप थोड़ा उद्वेलित हो जाना कहती हैं? माधुरी पहले भी आया करती थी। पहले तो उनकी ऐसी बुरी हालत कभी नहीं हुई। फिर तो भगवान जाने क्या हो गया है, शांता चिंतित स्वर में बोली। किसी और को कुछ मालूम हो? डॉक्टर कश्यप हम लोगों की ओर दृष्टिपात करता हुआ बोला। हम में से कोई कुछ नहीं बोला। खैर, डॉक्टर बोला, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है। इस समय वे सोए हुए हैं, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। और नर्स, इस बात का तुम्हें खास तौर से ख्याल रखना है, अगर तुम्हें उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती दिखाई दे
तो मुझे फौरन फ़ोन करके बुला देना। जब तक उनकी तबीयत सुधर नहीं जाती मैं यहाँ रोज आया करूँगा। मैंने नई प्रेस्क्रिप्शन लिख दी है, दवाइयाँ और इंजेक्शन मंगवा लेना, और अगर अगले सप्ताह के दौरान साहब की हालत नहीं सुधरी तो नर्स तुम्हारी छुट्टी कैंसिल। नर्स ने धीरे से सहमति सूचक ढंग में सिर हिला दिया। शांता की आंखों में बेचैनी दिखाई देने लगी, लेकिन उसकी बेचैनी को मेरे अतिरिक्त कोई नहीं भांप सकता था। केवल मुझे मालूम था कि नर्स एलिस की छुट्टी कैंसिल हो जाने से शांता की, माधुरी और सर गोकुलदास की हत्या की सारी स्कीम फेल हो जानी थी। लेकिन शांता एक अनुभवी अभिनेत्री थी। शीघ्र ही उसके चेहरे पर ऐसे भाव प्रकट होने लगे जैसे वह सर गोकुलदास की वर्तमान दशा के प्रति बेहद चिंतित हो। डॉक्टर साहब, शांता भाव विहल स्वर से बोली, कोई भारी चिंता की बात तो नहीं है? फिलहाल तो स्थिति कंट्रोल में है, डॉक्टर कश्यप धीरे से बोला। लेकिन साहब, शॉक की जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसमें कुछ भी संभव है। शायद माधुरी के आ जाने के बाद उनकी तबीयत सुधर जाए, शायद। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि हो क्या गया है, वे एकाएक इतने आतंकित क्यों दिखाई देने लगे? लगता है जैसे कोई भारी चिंता एकाएक उन्हें भीतर ही भीतर से खाने लगी हो। मैंने आज से पहले उन्हें कुछ कह पाने की इतनी तीव्र चेष्टा करते नहीं देखा। काश मैं जान पाता कि वे मुझे क्या बताना चाहते हैं, काश वे बोल पाते। डॉक्टर कश्यप ने एक गहरी सांस ली और चुप हो गया। उसने नर्स को अपने पीछे आने का संकेत किया और वापस बेडरूम में घुस गया। शांता ने भी बेडरूम की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन कुछ सोचकर वहीं ठिठकी खड़ी रही। लगभग 5 मिनट बाद डॉक्टर वहां से फिदा हो गया। डॉक्टर के जाने के बाद शांता बेडरूम में घुसी, लेकिन अधिक देर भीतर नहीं टिकी। कुछ ही देर बाद वह बेडरूम से निकलकर अपने कमरे में चली गई। नर्स एलिस ने बेडरूम का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। शाम को 4 बजे शांता मुझे लेकर सांता क्रूज एयरपोर्ट गई। माधुरी का प्लेन ठीक समय पर एयरपोर्ट पर उतरा। माधुरी प्लेन से उतरी, शांता ने उसे यूं आगे बढ़कर गले लगाया जैसे माधुरी उसकी अपनी बेटी हो और सारी दुनिया में उसे माधुरी से ज़्यादा प्यारा कोई ना हो। उन दोनों का मधुर मिलन देखकर एक क्षण के लिए तो मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं शांता ने माधुरी की हत्या करने का भयानक ख्याल छोड़ तो नहीं दिया था। माधुरी एक जवानी की दहलीज पर खड़ी बेहद खूबसूरत और सलीके वाली किशोरी थी। मेरा यह सोचकर भी दिल दहल जाता था कि उसकी सौतेली माँ की वजह से शनिवार की रात को वह बॉस्को नाम के राक्षस का शिकार बनने वाली थी और उसका इतना भयानक अंत होने वाला था। माधुरी की सूरत देखकर मेरा शांता नाम की चुड़ैल की हत्या करने का विचार और दृढ़ हो गया। दोनों कार में आ बैठी। मैं कार ड्राइव करता हुआ उन्हें स्टेट में ले आया। माधुरी सीधी अपने पिता के पास पहुंची। मुझे यह देखने का अवसर नहीं मिला कि माधुरी से मुलाकात की सर गोकुलदास पर क्या प्रतिक्रिया हुई। अगले 6 दिन निर्विघ्न गुजर गए। उस दौरान डॉक्टर रोज आता रहा। गुरुवार शाम को उसने घोषणा की कि सर गोकुलदास की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर थी। साथ ही उसने नर्स एलिस को भी अपने पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार छुट्टी पर जाने की आज्ञा दे दी। उस रोज शांता की आंखों में एक शैतानी चमक मुझे फिर दिखाई दी। मुझे विश्वास सा हो चला कि अब शांता बॉस्को से एक बार फिर ज़रूर मिलेगी। वैसे तो पिछले 6 दिन भी मैंने शांता को बहुत कम अपनी दृष्टि से ओझल होने दिया था, लेकिन अब तो मैं साए की तरह उसके पीछे लग गया। शुक्रवार की रात को 11 बजे के करीब मैंने शांता को चुपचाप कोठी से बाहर निकलते देखा। वह अपने शरीर को एक रेशमी गाउन में लपेटे हुए थी और वह अपने कमरे की खिड़की के रास्ते निकलकर बाहर आई थी। अगर उस रोज मैंने उसे खिड़की के रास्ते अपने कमरे से न निकलते देखा होता तो शायद मैं उसका पीछा नहीं करता। मैं उससे इस बात की अपेक्षा नहीं करता था कि वह महालक्ष्मी पुल के पार धोबी लेन के झोपड़पट्टे में नाइट गाउन पहनकर जाएगी। मैं उस समय कोठी की किचन से अपने लिए चाय लेकर वापस लौट रहा था। शांता खिड़की से निकली और इमारत की साइड से होकर पीछे समुद्र की ओर बढ़ी। मैंने चाय की थर्मस को फव्वारे के पास रख दिया और दबे पांव शांता के पीछे बढ़ा। कोठी के पिछवाड़े समुद्र के समीप एक छोटा सा केबिन बना हुआ था जिसमें स्विमिंग और फिशिंग का सामान रखा जाता था और जो छोटे मोटे रेस्ट हाउस के रूप में भी इस्तेमाल होता था। शांता ने केबिन का ताला खोला और भीतर प्रविष्ट हो गई। उसने केबिन की खिड़कियों और दरवाजों पर पर्दे खींच दिए
और फिर भीतर की बत्ती जला दी। केबिन कोठी से दूर था और पेड़ों के झुरमुट से ढका हुआ था, इसलिए कोठी से न केबिन दिखाई देता था और न उसके भीतर का प्रकाश। वैसे भी पर्दों की वजह से प्रकाश बहुत कम बाहर फूट रहा था। मैं दबे पांव केबिन के समीप पहुंचा और उसकी साइड की लकड़ी की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। मैंने देखा केबिन की समुद्र की ओर की खिड़की खुली थी और उस पर से पर्दा भी हटा हुआ था। फिर मुझे समुद्र के पानी में चप्पू चलने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी किश्ती किनारे से आ लगी। किश्ती में मुझे एक लंबे चौड़े आकार वाले मानव शरीर का आभास मिला। बॉस्को, मैं सांस रोके प्रतीक्षा करने लगा। कोई किश्ती से उतरा। उसने किश्ती को खींचकर रेत पर चढ़ा दिया और पेड़ों के झुरमुट की ओर बढ़ा जिधर केबिन था। वह केबिन के द्वार की ओर बढ़ने के स्थान पर उसकी प्रकाशित खिड़की की ओर बढ़ रहा था। खिड़की के समीप आकर उसने भीतर झांका। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।